आज हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रभुलाल मरांडी जी हैं। झारखंड विधानसभा इलेक्शन में बहुत जगहों पे दौरा लगाए हुए हैं और हम बात करेंगे दावायर के लिए उनसे खास इंटरव्यू। सर, ये बताइए कि किन मुद्दों पर आपकी पार्टी लड़ रही है? देखिए, हर हमेशा हम जन मुद्दा को ही लेकर के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि भाई आम लोगों की जो समस्या है, किसानों की समस्या है, उनके खेतों में पानी की शिकायत, मजदूरों की समस्या है, उनको काम मिले और अच्छी मजदूरी मिले। आज तो मनरेगा में काम भी उनको नहीं मिलता है, मुश्किल से 100 दिन नहीं मिलता। हमने कहा कि भाई कम से कम 150 दिन काम उनको मिले, और आज 171 रुपया मजदूरी है, तो हम कहते हैं कि 150 रुपये की जगह 300 रुपया कम से कम दैनिक मजदूरों के निर्धारित। फिर छात्र है, नौजवान है, छात्र आज गरीब छात्र है खासकर, और झारखंड में तो आधी गरीब आबादी गरीब रेखा से नीचे, आज वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं कर पढ़ा पा रहे, पैसे क्या पाओ। एक तो निजी विद्यालयों को लेकर 25% गरीब बच्चों की पढ़ाई की वहाँ व्यवस्था करें, और उसका जो भी शुल्क होगा सरकार की ओर से दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में भी मास्टर और पढ़ाई ठीक ठाक उसको भी सुनिश्चित किया, और साथ ही हमने जो कहा है कि जो तकनीकी शिक्षा है, खास करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, डिप्लोमा हो, नर्स हो, पारा मेडिकल हो, तो इस प्रकार की जो पढ़ाई में जितनी बच्चों की पढ़ाई में जो भी खर्च होगी वो सरकार की ओर से दी जाएगी। पहले भी हमने इसको शुरुआत की, तो हमने कहा कि भाई जन लोगों से जो जुड़ा हुआ जो विषय है, मुद्दा है, जैसे आज सरकारी सेवाओं में कई पद आज भी रिक्त पड़ा हुआ है, प्रत्येक साल लोग रिटायर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहालियाँ नहीं हो रही। तो हमने कहा कि भाई जैसे UPSC प्रत्येक साल एग्ज़ाम लेती है और बहालियाँ भी होती है, तो हमने कहा कि भाई झारखंड में जो आज 19 साल में मात्र 5 ही JPSC हो पाया, और 5 साल में तो एक भी नहीं। तो हमने कहा कि इसको UPSC की तरह ही झारखंड में भी रेगुलर हो जाएगी 2023, ताकि यहाँ के जो बेकार बेरोजगार नौजवानों को भी अवसर मिलेगा, और प्रत्येक साल जो भी पोस्ट वैकेंट होगी वो भी मारा जाएगा, एक जो नौजवानों में जो आक्रोश है जी, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने जो आम लोगों से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है उसी को हमने लिया है, उसी को लेकर के हम जनता को। एक अहम क्वेश्चन उठ रहा है, आप कोएलिशन में क्यों नहीं है? कोएलिशन का बहुत अनुदेश किया था। देखिए, हम शुरू से कोएलिशन के पार्टनर रहे, और 2006 में जब झारखंड विकास मोर्चा हम लोग बनाए, तो 2009 में पहला हम चुना, उस समय भी हम लोग गठबंधन के तहत ही चुना। 2014 में गठबंधन होते होते टूट गया, और 2019 की लोकसभा में भी आखिरी समय तक, और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भी हमने कोशिश किया कि गठबंधन हो जाए, और इसके लिए मई जून जुलाई हम प्रयास करते रहे, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो कोई बात करने की स्थिति में लोग, जब हमने देखा कि लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, और 14-9 की जो मेरा अनुभव है या 19 लोकसभा गठबंधन की जो अनुभव, ये आखिरी समय तक ये लोग दौड़ाते हैं, तब हमने जुलाई अगस्त से हमने कह दिया कि भैया आप एक्कर लेके जाएंगे, आप लोग इतना लेट लगे कि 14 में मेरी बहुत ही ख़राब स्थिति हुई, हमारे जो विधायक थे और लीडर थे कई लोग तो लोग भाग गए, कोई BJP चले गए, कोई JMM में चले गए, तो हम बहुत तो मुश्किल में पड़ गए। तो इन सारी चीज़ों का जो अनुभव था हमारे पास, उस अनुभव को लेकर के हमने जुलाई अगस्त से हमने सभी नेता को, कांग्रेस के सबको हमने कह दिया कि भैया हम आपके साथ जाएंगे, और इसलिए हमें कोई मलाल भी नहीं था, क्योंकि पूर्व की जितना मेरा अनुभव था हम लोगों के साथ गठबंधन करके बहुत विलम्ब कर, तब हम चुनाव के बाद अब NDA के साथ रहेंगे या UPA के साथ? मैं तो बार बार लोगों से कहता हूँ कि इस बार चुनाव अप्रत्याशित परिणाम है, क्योंकि आज जितने भी जो लीडर
बीजेपी की ओर से, तो सबको लोगों ने देखा है, जांचा है, परखा है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास तो अभी वर्तमान में भी है 5 साल से, और हमने भी 28 महीनों तक इस राज्य में काम किया, सेवा किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब लोगों को जांचने और परखने में कोई दिक्कतें नहीं, और इस बार जांचा हुआ परखा हुआ लोगों को चुनना है, इसलिए जनता के सामने भी और पूरे राजनीतिक कैरियर अगर आप देखें हमारी, तो हमने कभी भी सत्ता के लिए सौदेबाजी नहीं की। जीतने के बाद भी बाकी लोगों ने तो सत्ता के लिए किस प्रकार से सौदेबाजी की वो किसी से छुपा, लेकिन हम अपने आप को अलग ही रहे, उसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है पॉलिटिक्स। तो जनता इस बार उसका पुरस्कार निश्चित रूप से देगी, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई अप्रत्याशित इस बार रिजल्ट रहे, लोगों को ये अनुमान नहीं है कि ऐसा भी कोई रिजल्ट हो सकता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि किसी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें ही जरूरत नहीं पड़ेगी तो किसी के जाने के तो कोई सवाल ही नहीं।